रूस को बचाने के लिए एक आंदोलन 1967 से लेकर अभी तक जारी हुआ। लंबे समय बाद पूर्व सरकारों ने और वर्तमान सरकारों ने इसमें हमारा जो ये मुद्दा है उसके लिए हमारी बात उन्होंने सुनी और उस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाया। सिरमौर युवा विकास मंच जिसका गठन 2012 में इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया था, उसके अंदर किस प्रकार की जो हमारी रिपोर्टें थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा सिरे चढ़े और सिरमौर के लोगों को यहां पर हक मिले। परंतु से आप देखिए कि जो 1967 से लेकर बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे, परंतु हाटी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो बहुत ही सुचारू ढंग से, ना कोई अराजकता हुई, केवल एक गांधीगिरी के माध्यम से, एक लोकतांत्रिक तरीके से कि हमें क्यों ये अधिकार चाहिए और किस लिए चाहिए, क्योंकि हम अपनी जो हमारी सिरमौर की जो वेशभूषा है, हमारी संस्कृति है, हम उसको बचाना चाहते हैं और हमारा जो सिरमौर विकास के अंदर आगे बढ़े, क्योंकि हमारा जो एक भाई है उसको तो आप ये सारे राइट्स दे रहे हैं और दूसरी ओर हमें नहीं दे रहे। आज ये सारे मुद्दे जो हमारे हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि जो जयराम सरकार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा है मैं श्री सुरेश कश्यप जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह जी, आज मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और पूर्व में यहां से सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप जी, इन लोगों ने भरपूर समर्थन इसको दिया। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष थे वो हिमाचल के अंदर एक प्रस्ताव पास करके उन्होंने केंद्र को भेजा कि यहां के जो हाटी समुदाय है गिरिपार क्षेत्र, उनको ये अधिकार मिले। आज मैं गिरिपार क्षेत्र की 3 लाख जनता की ओर से और जो हमारे युवा साथी है जिन्होंने निरंतर इस लड़ाई को जारी रखा और आज ये खुशखबरी हमें मिली है कि आरजीआई ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें सारे व्यवधान खत्म हो चुके हैं, अब वो कैबिनेट को लिए वो उसको सौंपने जा रहे हैं और मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर या 1 महीने के अंदर जो सिरमौर का जो गिरिपार क्षेत्र है उसको ये अधिकार मिलेगा। इसके लिए हम बार बार आज धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें केंद्र से एक तो प्रदेश सरकार का जो बजट है, क्योंकि कंज्यूमर स्टेट था हिमाचल प्रदेश आपने देखा, और विकास के अंदर यदि सिरमौर की बात की जाए तो सबसे पीछे सिरमौर था। आज यदि आज एसटी दायित्व यहां पर मिला है, सिरमौर के लिए जो बजट है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और सिरमौर के जो युवाओं को है, प्रतिभावान युवाओं को, चाहे उन्हें नौकरी के माध्यम से हो या सिरमौर की जो सड़कें हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसको एक नई दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, जेपी नड्डा जी ने किया है और जयराम जी ने किया है। और साथ में यदि किसी ने किया है तो हमारे लोकप्रिय सांसद वर्तमान के अंदर सुरेश कश्यप जी ने किया है, रीना कश्यप जी ने किया है, चौधरी सुखराम जी ने किया है और जो सिविल सप्लाई के हमारे अध्यक्ष भाई बलदेव तोमर जी ने किया है, क्योंकि ये निरंतर मुख्यमंत्री जी के साथ टच में थे। जहां सिरमौर युवा विकास मंच और हमारी हाटी समिति, जहां जन जागरण अभियान एक तौर चल रहा था और उस प्रकार सारे तथ्य भी उचाए जा रहे थे कि जो जो व्यवधान यहां था कि किस प्रकार से हम रेवेन्यू के अंदर पुराना रिकॉर्ड था, कहीं खास लिखा हुआ था, कहीं कनेक्ट लिखा हुआ था, कहीं मिया लिखा हुआ था, वो सारा दुरुस्त किया और आरटीआई के माध्यम से शाम जी यहां पहुंच गए। हमने डायरेक्ट जो हमारी केंद्र सरकार की आरटीआई थी उनके साथ आरटीआई के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ उसका रिप्लाई भी हमें आया और आज एक खुशखबरी यहां हमें पर मिली है जिसका हम प्रदेश और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और सिरमौर की 3 लाख जनता को धन्यवाद देना चाहती है कि उन्होंने पिछले 60 सालों से इस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं का, पिछले 1 दशकों में आपने देखा कि यदि सबसे बड़ा रोल यदि किसी आज केंद्र सरकार तक पहुंची, सारे मुद्दे और तथ्य आपने रखे। भाई रमेश सिंह यहाँ पर बैठे हैं, खुद एक पत्रकार
परंतु इस मौत के मुद्दे के लिए हमेशा आगे भाई तोमर जी बैठे। आज ये मुद्दा सिरे चढ़ा है तो आप सब पत्रकार भाइयों का भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जल्दी ही जो हमारा मंच है प्रदेश के मुख्यमंत्री का और प्रदेश के तमाम उन नेताओं से मिलकर उनका धन्यवाद करेगा। और जो 1967 से लेकर जिस भी व्यक्ति ने इस आंदोलन के लिए अपना खून पसीना बहाया है, शहादत दी है, उस सब व्यक्ति को सिरमौर युवा विकास मंच और हमारे पार्टी जो समिति है उसको सम्मानित करेगा। आगे की बात रखने के लिए मैं भाई रमेश सिंह जी से आग्रह करता हूँ। सुनील भाई बहुत बहुत आपका आभार। सबसे पहले जो पत्रकार बंधु है आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और आभार है। हाटी के हितों की बात जिस तरीके से बुलंदी के साथ आप लोगों ने उठाई है हम आपके भी आभारी है। 3 लाख लोग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हाटी समुदाय की तरफ से हम आपका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो राहत की बात है 55 साल का जो सूखा है वो आज खत्म होता नजर आ रहा है। 1967 में जैसा अभी हमारे साथी ने जिक्र किया जौनसार बाबर जो टोंस नदी के उस पार का इलाका है 1967 में वो जनजाति क्षेत्र घोषित हो गया था। और 79 में हम लोग सबसे पहले एससी और एसटी जो कमीशन था उन्होंने हमें पात्र माना था। इससे 43 सालों से 43 ईयर्स से हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, हमारे सपने भाजपा सरकार ने जगाए हैं। और लगातार पिछले 17 सालों से अगर हम देखें तो पत्राचार हो रहा था। आरजीआई की जो अड़चन थी सबसे बड़ी जो अड़चन थी वो अब दूर हो गई है। कल हमारा एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी जिसमें शामिल रहे थे जयराम ठाकुर जी, हमारा केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला था। और क्योंकि जो आरजीआई है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है वो उनके अधीन आता है तो उन्होंने वहां से इंक्लूजन हाटी कम्युनिटी का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारी जो पहली सीढ़ी है वो हमने उस पर सफलतापूर्वक उसको पार कर लिया है, आगे का रास्ता भी तय होगा। ये मसला जैसा कि आज दिल्ली में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है उसके बाद क्योंकि एक पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो सकता है और संसद में मामला जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जिस संघर्ष के लिए एक अनूठा संघर्ष जिसके आप लोग सभी गवा रहे हैं, हम उन सभी लोगों का जिनका इनका योगदान रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक अनूठा आंदोलन था, इसमें लगभग 14 जातियां इसमें शामिल है, इसमें स्वर्ण से लेकर दलित तक सारे लोग, एक अनूठा आंदोलन था लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। और हमें ये लगता है और ये आज साबित कर दिया है सरकार ने कि सरकार ने हाटी की माटी की लाज रखी है। तो ये जीत हाटी की माटी की है और ये जीत 3 लाख लोगों की है, ये जीत 154 पंचायत के लोगों की है, ये जीत 154 पंचायतें और 400 गांव के लोगों की है। और हमें अगर ये दायित्व दिया गया है चाहे वो हाटी विकास मंच की तरफ से है या सिरमौर विकास मंच की तरफ से है, ये केवल हमारा योगदान नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। पहली महाकुमरी जैसा कि आपको विदित है कोरोना के भीतर हुई थी 1 जनवरी को इस साल, और उसमें ये निर्णय लिया गया था, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे, एक अनूठा आंदोलन अगर हम कह रहे हैं तो लोगों ने विचारधाराओं से ऊपर उठकर हाटी के हितों का झंडा बुलंद किया, उसमें ये फैसला होता है। महाकुमरी एक नई अवधारणा आप लोगों के लिए थी लेकिन एक प्राचीन हमारी अवधारणा है, उसके माध्यम से निर्णय हुआ था कि अगर ये आश्वासन बहुत हो गए अब लारे लपों से बात नहीं बनेगी, अगर 30 जून तक नहीं किया तो गिरिपार में नेताओं का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। उसके बाद दूसरी वहीं से ही आंदोलन की जो आग है वो पूरे गिरिपार क्षेत्र में फैली थी। दूसरी जो महाकुंभली हुई थी वो शिलाई के भीतर हुई थी, आप लोगों ने देखा वहां पे फकीर चंद चौहान जी उपाध्यक्ष केंद्रीय हाटी समिति के, उन्होंने ये कहा था, ये आधिकारिक लाइन थी कि अगर ये नहीं करते हैं जून महीने तक तो जुलाई में हम हिमाचल छोड़ के उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे, जिनको हमारा एक भाई और भाईचारा भाईचारा का रिश्ता हमारा जौनसार बाबर के साथ है वहां मिल जाएंगे। इससे कड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता था। वहां शिमला के सांसद उस वक्त मौजूद थे, वहां पे शिलाई के मौजूदा विधायक हर्षवर्धन जी मौजूद थे, वहां पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी वहां पे मौजूद थे, वहां पे रेणुका के विधायक विनय कुमार जी वहां पे मौजूद थे। एक तरह से वहां सियासत बंधक बनती जो है नजर आई क्योंकि जनता का दबाव था, हक नहीं तो वोट नहीं। साफ तौर पर लोगों ने कहा कि अगर ये नहीं होता है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है,
केंद्र में भी राज्य में भी, क्योंकि ये सपने भाजपा ने जगाए हैं। राजनाथ सिंह जी जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने नाहन में 2014 में ये ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम इसको ये बड़ा दर्जा दे देंगे। तो जब दोनों जगह केंद्र की सरकार थी, और हम हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुत आभारी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के, उनकी पूरी टीम के, शिमला के सांसद के हम बहुत आभारी है, और शिला के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी, ये एक हमारे गुलाब सिंह जी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। गुलाब सिंह जी वो शख्स थे जिन्होंने जौनसार बाबर को जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाया। बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल करते थे कि आप क्यों ये आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन इसका विकास केवल पैरामीटर नहीं है। अगर केवल पिछड़ापन पैरामीटर होता तो उत्तर प्रदेश और बिहार जनजाति क्षेत्र घोषित होते। इसके बहुत सारे पैरामीटर थे। पहला जो पैरामीटर था वो सांस्कृतिक एक जो उसकी अलग पहचान, वो इसका सबसे बड़ा, कई बार लोगों को लगता है कि नाट्यों के माध्यम से ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, इसका पैरामीटर ही वही था। जो हम आज भी प्रिमेटिव समाज वहाँ पे है, आदिम समाज वहाँ पे है, बड़ाटू नृत्य जो आप लोगों ने देखा, जो तीसरी महाकुंभली प्रजाता के भीतर हुई थी, उसमें भी लोगों के तो शक सुबह कोई रह नहीं गया था। जब हमारा नृत्य देखा तो लोगों को लगा कि नहीं, वहाँ के लोगों ने कोई कसूर नहीं है उनका, उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री से बड़े और गृह मंत्री से बड़े कोई नेता इस वक्त देश में नहीं है, बड़े शक्तिशाली दोनों नेता है, उनकी सहमति अगर इसमें है तो हमें लगता है कि ये हमें जल्द ही एक बड़ी सौगात सिरमौर के लोगों को चुनावी साल में मिलेगी। हम पहले से कह रहे थे कि अगर ये नहीं देंगे तो हम इनका गिरिपाल में बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन आज क्योंकि पिछले कल एक बड़ी टूर्नामेंट हुई है, तो हम आपके माध्यम से सभी लोगों का, वहाँ की महिलाओं का, वहाँ महिला मंडल जो है हमारे नंबरदार है, जिम्मेदार है, जेलदार है, खासतौर पर जो दूसरी कुंडली हमारी हुई थी वहाँ के प्रताप सिंह तोमर जी है वहाँ के जेलदार, शंखवान बिरादरी के हैं बहादुर सिंह जेलदार जी है, और रोनहाट में जो लादी क्षेत्र के नेतागण वहाँ पे रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे कोई भी जो बड़ा नेता हो रहा, चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे भाजपा का रहा, दोनों के नेता वहाँ पे आए हैं, और दलीप चौहान जी है जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, हरिराम शास्त्री जी है, तमाम लोग हैं, अभय धामटा जी है, उन्होंने ये गांव गांव जाकर लोगों को जगाने का काम किया। उसके बाद हम जो हमारे सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी है, रमेश देसाई जी है, इन लोगों का भी हम वीरेंद्र हाटी जी है, और भारतीय विकास मंच का तो नेतृत्व यहाँ पे बैठा है, हम केंद्रीय हाटी समिति के जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमित कमल जी है और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री जी है, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि ये एक संदेश दिया लोगों के बीच की पहली बात, पूरे प्रदेश के लिए संदेश दिया कि अगर राजनीतिक विचारधाराओं से लोग ऊपर उठकर अगर आगे आएंगे तो काम जो असंभव काम भी थे वो भी असंभव है। दूसरा, हम जो भंगाइणी माता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया था, हम देवी देवताओं की आप लोगों ने प्रमुखता से खबरें छापी कि हाटी लोग अब देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, हमारा उसका किसी को चिढ़ाना नहीं था उसके ऊपर, लेकिन हम देव परंपराओं में भी भरोसा रखते हैं, और हमें लगता है कि आज आशीर्वाद हमें मिल गया है। 3 लाख लोगों का जो मुद्दा था, आज कहीं ना कहीं ये सूरजता नजर आ रहा है। हम आह्वान आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि जैसी एकता इस मुद्दे के लिए रही है, यही एकता अभी आगे भी बरकरार रखेगी, और जो भी आप लोग के अब सवाल है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सर, आपने भी कहा कि कुछ लोग ऐसे थे काफ़ी लंबे अर्से से ये नहीं चाह रहे थे कि जो हाटी समुदाय है उनका जो हक है वो नहीं मिलता, सर कौन लोग थे? इसी के बहुत सारे लोग जो इसमें थे कि हाटी नाम होते हैं, बहुत सारे यहाँ जो प्रदेश के अंदर बहुत सारे एसटी क्षेत्र हैं, उसके अंदर जिन लोगों को एसटी का दर्जा मिला हुआ है आप समझ गए, प्रदेश के अंदर 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये सभी का अधिकार है, जब उनको मिला तो वहां पे भी मिलना चाहिए, हमारा विरोध नहीं है, हम सकारात्मक सोचे, और इसका जितना बजट है वो केंद्र से आना है, स्टेट का इसमें कोई नहीं है, जो हमारा 9% बजट है वो सेंटर से आ रहा है, अभी हम उसके ऊपर खर्च होता है 3% जो हमारा अधिकार बना रहता है एक स्टूल ट्राइब एरिया के अंदर, और जब हम एसटी बनेंगे तो वो 9% जो खर्चा है केंद्र के अंदर बजट के अंदर, इसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा ऊपर बजट होता है, वो जो हक था हिमाचल का वैसे ही लैप्स हो रहा था। इसीलिए कौन लोग थे, मैंने पहले कहा कि कुछ थे जिनके पास ये दर्जा था, परंतु हमने उनके से बार हम बार बार मिले सिरमौर युवा विकास में, उनको हमने कन्विंस किया कि हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे, हम हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, और सिरमौर वालों में तो पहले ही आपने देखा है, चाहे सिरमौर के निर्माण की बात हो परमार जी से लेकर या वर्तमान, और ये हमारा जो आंदोलन है आपने देखा
सिरमौर युवा विकास यहाँ है, जब भी हम मिले वीरभद्र सिंह जी का भी इसमें रोल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी का भी इसमें रोल रहा है, पूर्व सांसद रहे यहाँ से चाहे महेश्वर सिंह जी हो, सबका हम नाम लेने जाते हैं। वीरेंद्र कश्यप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वर्तमान के अंदर जो कांग्रेस के जितना नेता है उन्होंने खोला समर्थन है। जो विकास में पिछड़े हुए हैं, कुल्लू का ऐसा मल्याणा ऐसा क्षेत्र है, शिमला के अंदर डोडरा क्वार एक ऐसा क्षेत्र है, उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए, ये मेरा इतना ही है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया, हम लोग जो क्षेत्र वंचित है और जिसके अगर पात्र है तो उन सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, जिनका इन्होंने जिक्र किया, आपने सवाल भी किया। डॉक्टर रामलाल मार्कंडे उन्होंने जिस तरीके का जवाब सदन के भीतर दिया, लगातार मांग कर रहे की किसी भी तरह का आरक्षण होना नहीं चाहिए, और जो भाजपा की मातृ संस्था है आरएसएस उसका तो बाकायदा रेजोल्यूशन है 1949 का कि आरक्षण को खत्म करना है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए समाज के अंदर जितने भी वंचित वर्ग है, अहिंसा अम्बेडकर जी ने किया था, समाज के अंदर जो व्यक्तिगत लोग, बिल्कुल सही कहा आपने, आज जो पिछड़ापन है केवल वो एससी एसटी में नहीं है, आज पिछड़ापन जो सिरमौर बात कर रहा है वो कर रहा है एसटी, जिसमें यहाँ पर सारे राजपूत और ब्राह्मण नेता यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? वहां वो लोग भी पिछड़ेपन के शिकार है जो स्वर्ण जाति के लोग, हमारे इसमें कोई दो राय नहीं है, जो लोग विकास में पिछड़ चुके हैं सबको समानता से अधिकार मिलना चाहिए और सबको विकास होना चाहिए, परंतु यह भी नहीं होना चाहिए कि जो लोग जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनका हक हम छीन लें। कोई ऐसी है दलित है जिसके पास घर भी नहीं है, जगह भी नहीं है, तो उसके लिए वह मकान का प्रावधान भी होना चाहिए, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारा आज ये हाटी का मुद्दा था, सिरमौर युवा विकास मंच के नाते तमाम वो लोग जो समाज के अंदर विकास के अंदर पिछड़ गए हैं किसी ना किसी तौर पर, चाहे वो आरक्षण के तौर पर हो या एसटी के तौर पर हो या सरकार ने जो, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ आज जयराम सरकार जी का, यदि स्वर्णों ने आवाज उठाई तो स्वर्ण आयोग जो उन्होंने बनाया है स्वर्णों के विकास के लिए, मैं आज इस मंच के माध्यम से उनका सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद का सिलसिला वर्ष 2017 में भी चला था, तब भी बड़े जोरों शोरों से पूर्ण आश्वासन के साथ कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ये भी कहा गया था कि अब जो है मामला सुलझ ही जाएगा। इस बार आप कितने आश्वस्त हैं कि अब केंद्रीय कैबिनेट का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा कि बधाइयों का दौर जो है वो चला रहेगा, मुद्दा जो है वो कभी सुलझेगा? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए हम कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, ये बहुत मुश्किल काम हमारा था, पहले हमारा जो लक्ष्य था, हमारी जो रिपोर्ट है वो क्या तो प्रदेश सरकार के द्वारा दिवा दी गई थी, 10 साल ने आपने देखा संघर्ष किया कि प्रकार यूनिवर्सिटी में नोडल एजेंसी बनती है, फिर वीसी साहब, फिर जो पंचायतें थी उसमें से आधी पंचायतें ही काट दी गई, वो आ ही नहीं सकता था, जब हमने तथ्य रेवेन्यू के वो दुरुस्त किए खासकने तो सारा चीजें जो कम्युनिटी पुराना रिकॉर्ड हमने दिखाया, क्योंकि रेवेन्यू ने अपनी सहूलियत देखने के लिए जितने भी राजपूत अलग अलग जातियों में पूरी तरह से 99% ये काम हो गया है, अब एक के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए, चाहे धारा 370 हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तो सिरमौर का तो छोटा सा मुद्दा है, और मैं धन्यवाद आज करना चाहता हूँ मोदी जी का और अमित शाह जी का, गिरी पार्क क्षेत्र के विद्यानंद सरेख जी है जिन्होंने ये हाटी के जो जिन्होंने ऊपर किताबें भी लिखी है, बहुत सारी कविताएं भी लिखी है, उनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो मोदी सरकार ने किया है और उन्होंने भी वहां पर बात की है, तो मोदी सरकार यहाँ जो मोदी जी है हिमाचल के प्रभारी भी रहे, वो जानते हैं कि सिरमौर क्षेत्र को यह अधिकार क्यों है। एक सवाल और, एकता ऐसी बनी रहेगी या फिर जब मुद्दा सुलझ जाएगा उसके बाद क्रेडिट की दौड़ लगेगी? नहीं देखो सवाल क्रेडिट का नहीं है, हम सब लोग इकट्ठे हैं, 3 लाख लोगों का ये मूवमेंट है, ये कोई इंडिविजुअल क्रेडिट का मसला नहीं है, इसमें उन लोगों का भी योगदान है जो हमारे, मैं ये कहूंगा कि जो एक वजंत्री से लेकर जो व्यक्ति भी महाकुंभ में किसी ना किसी रूप में शरीक हुआ हो उस सबका योगदान है, भले ही यहाँ नहीं है, ये कोई लीडरशिप को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, ना हम लोग को क्रेडिट लेने की जरूरत है, ये पूरा का पूरा मैंने शुरू में ही कहा कि पूरा का पूरा जो श्रेय है वो हाटी कम्युनिटी को जाता है, अगर लोग तैयार नहीं होते तो फिर तो लीडरशिप अलग रहनी थी, हालत ये हो गए थे कि एक तरफ लोग थे दूसरी तरफ नेता थे, नेता एक तरह से आइसोलेटेड हो गए थे, इन्होंने भांप लिया था, सियासतदान को तीसरी आंख कहते हैं, इनको तीसरी आंख भी होती है, तो तीसरी आंख ने साफ देख लिया था कि लोग कटे हैं, अदरवाइज इतना आसान ही था, ये पहले भी हो सकता था, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अभी हमें लगता है जो आपने सवाल किया है कि अब ये
पीछे लोग या केंद्र सरकार अभी से पीछे मुड़ने वाले नहीं है और स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से जल्द ही बड़ी जो सफलता है वो मिलने वाली है। आपने कहा था कि अगर हाटी का मुद्दा नहीं सुलझता तो आप वोट भी नहीं देंगे, तो अब ये माना जाए कि हाटी समुदाय का सारा वोट अब भाजपा के खेमे में जाए? नहीं, सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं है, हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा था कि हक नहीं तो वोट नहीं। अगर ये हमें हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं करते हैं तो हम जो है इनको इनको बाहर करेंगे, तो हमने सबको कहा था कि राजनीतिक दलों का बहिष्कार करेंगे। और दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन अभी चूंकि सरकार ने हमारा मुद्दा, ये पहली सफलता हमें मिली है, तो जो हमें करेगा, हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे, आंदोलन हमारा इसलिए था। अगर मुद्दा अगर सॉल्व होता है तो क्या वोट सरकार के पक्ष में जाएगा, मतलब भाजपा के पक्ष में?